इसलिए मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ही गाड़ी है क्योंकि नंबर भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वीक की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और ये फिर से एक मैं पीपीएफ का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ पुणे शहर से। वैसे तो पीपीएफ की स्टोरी में 8-9 महीनों में हम लोगों ने 100 से ज्यादा कार्स कर दी, बट कहीं ना कहीं हमारी शुरुआत एरियल डार्क एडिशन से ही हुई थी पुणे में। तो दिसंबर में पहली पुणे में हम लोगों ने जो डार्क एडिशन इंस्टॉल की थी वो अक्षय भाई ने ही करके दी थी। और अल्टीमेट ऑटो स्टूडियो में दोबारा मैं आया हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 20 से 25 गाड़ियाँ ऑलरेडी की हैं। तो अभी एक और गाड़ी आई है नितिन जी की, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे पीपीएफ डिलीवरी ले ली। हाई ग्रेड का पीपीएफ टीपीयू उनको मिल गया था 185 माइक्रोन्स का। अब उसका इंस्टॉलेशन करने के लिए और डिटेलिंग करवाने के लिए अक्षय भाई के पास हम लोग आए हैं अल्टीमेट ऑटो स्टूडियो वाकड़ में। और उनकी डिटेलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत अच्छी अच्छी बारीक बारीक चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं और गाड़ी की फिनिश एट द एंड बहुत अच्छी लाकर देते हैं। उनकी एक्सपर्टीज केमिकल्स में भी है, तो उसकी वजह से उनके जो गाड़ियों में लगने वाले केमिकल्स हैं, जो भी इंस्टॉलेशन है वो काम आते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना और आपकी गाड़ी को हार्म मिनिमल हो या ना हो वो ध्यान रखना, वो भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो अब हम उनसे जानते हैं आज गाड़ी में क्या क्या प्रोसेस होगा और आपको पीपीएफ इंस्टॉलेशन का पूरा मेथड दिखाते हैं और एट द एंड हम लोग आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे और जो इनकी गाड़ी की जिनकी है नितिन जी उनका फीडबैक भी आपको हम लोग दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अक्षय भाई, आज हम हेडेड डार्क एडिशन में क्या क्या काम करने वाले हैं और अभी क्या चल रहा है गाड़ी के अंदर? आज हम लोगों ने अभी गाड़ी के ऊपर पहले फोम वॉश किया है, उसके बाद डिटेलिंग हुआ। जैसे कि टाटा के गाड़ियों में काफ़ी सारा पेंट डिफेक्ट या कुछ इम्प्योरिटीज होने के बहुत चांसेस है और होते भी है। तो पहले हम लोगों ने डोर के ऊपर थोड़ा इम्प्योरिटीज थे तो वो हम लोगों ने पहले रिकवर किया, पूरा क्लियर किया। उसके बाद में हम लोगों ने रबिंग किया है गाड़ी के ऊपर, रबिंग के बाद एक बार आईपीए से पूरा प्रॉपर क्लीनिंग हुआ है, उसके बाद पॉलिश हुआ है और पॉलिश के बाद हम लोगों ने आईपीए करने के बजाय हम लोग वापस से एक बार उसको फोम वॉश करते हैं ताकि रबिंग पॉलिश का जो भी रेसिड्यू रहता है वो पूरा आईपीए से 100% कम्प्लीटली कभी भी वॉश आउट नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग गाड़ी को फोम वॉश करते हैं पॉलिश के बाद और फिर आईपीए क्लीनिंग करते हैं ताकि कोई इसमें इम्प्योरिटी और जो भी एक्स्ट्रा हो वो यहाँ से चली जाए। तो ये प्रोसेस होने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है पीपीएफ एप्लीकेशन के लिए। शुरू हो गया है? हाँ, चलिए देखते हैं। चलिए, अच्छा, यहाँ पर पीपीएफ की कटिंग शुरू है। हाँ, तो जैसे कि हम लोग अभी पीपीएफ कभी भी करते समय पूरा एक गाड़ी का मेजरमेंट लेते हैं। जैसे कि अभी एक साइड अगर ये कंप्लीट करनी हो तो हम लोग पूरा पीपीएफ पहले पूरे गाड़ी का मेजरमेंट लेके कट करते हैं, उसके बाद में हर एक पीस के साथ हम लोग उसका कटआउट निकालते हैं, एप्लीकेशन फिर हमारा स्टार्ट होता है। उसमें भी हमारा प्रोसेस ये रहता है कि कोई भी गाड़ी क्लीनिंग होने के बाद उसको दो बार हम लोग पर्टिकुलर शैम्पू डाल के उसको क्लीन करते हैं, जो कि रहता है जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी शैम्पू, जो कभी भी स्किन को रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए वो छोटे बच्चों को यूज़ किया जाता है। और एक सिंपल उसमें फैक्ट यह है कि जो अपने स्किन को कोई डैमेज नहीं करता प्रोडक्ट, वो कभी भी आपके गाड़ी के पैनल को डैमेज नहीं कर सकता। तो दो बार वो क्लीनिंग होता है, उसके बाद में आईपीए क्लीनिंग भी हम लोग अल्टरनेटली करते हैं। आईपीए क्लीनिंग में और एक चीज़ ऐसी है कि बहुत सारे लोग जो है वो बराबर से अल्कोहल यूज़ नहीं करते। बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो इंडस्ट्रियल या ऑटोमोटिव ग्रेड का आईपीए है जो गाड़ी के ऊपर यूज़ करते हैं। हम लोग पर्टिकुलरली कभी भी ये आईपीए यूज़ नहीं करते, हम लोग जो करते हैं वो लेबोरेटरी ग्रेड वाला आईपीए यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी ग्रेड आईपीए यूज़ करने का एक फ़ायदा ये है कि आप गाड़ी के ऊपर कितने भी समय तक उसको आईपीए स्प्रे करके रखो, वो आपको कोई भी परसेंट का जो है वो डलनेस या कोई भी तरह का जो रिएक्शन है वो आपको पेंट के ऊपर नहीं दिखाई देगा। ये एक फैक्ट होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत मायने रखती है, जो आपका ग्लॉस बना के रखती है। बहुत सारे लोग जो है वो डायरेक्टली इंडस्ट्रियल ग्रेड का आईपीए यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कलर में थोड़ा डलनेस दिखाई देता है। बहुत सारे पीपीएफ लगाते समय डायरेक्टली उसको आईपीए मार के लॉक करते हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें वो बहुत मायने रखती है। इसके चलते आपको जो पीपीएफ लगाने के बाद का जो ग्लॉस है और एक जो पूरी फिल्म लगती है उसका जो एक ग्लॉस का जो मज़ा आता है वो देखने में कुछ अलग ही होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो हम लोग ध्यान में रखते हैं। हर एक जो भी प्रोडक्ट हम लोग गाड़ी के ऊपर यूज़ करते हैं
वो पूरा प्रोडक्ट जो है वो बायो कम्पेटिबल होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का जो है वो स्किन को डैमेज नहीं होता है, इसके चलते गाड़ी का पेंट को भी डैमेज नहीं होता है। तो ये कुछ खास छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग गाड़ी के डिटेलिंग के ऊपर कोशिश करते हैं, जो ध्यान में रखते हैं, और वो हर एक डिटेलिंग वाले ने करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ये गाड़ी को कस्टमर के गाड़ी को खुद की गाड़ी मान के करेंगे काम, तो कोई भी काम जो होगा वो बेस्ट ही होगा, और अगर आपको ये काम में सेटिस्फेक्शन मिले तो जरूर कस्टमर को भी ये सेटिस्फेक्शन 100% मिलेगा। थैंक यू सो मच अक्षय भाई। थैंक यू। इंस्टॉलेशन दिखा देते हैं लोगों को जल्दी जल्दी और फिर रिजल्ट दिखा।
नितिन भाऊ तुमचा फीडबॅक द्या, कशी वाटते गाडी आता आधीपासून? मराठी हिंदी? अरे मराठी। सो नितिन जी आपकी गाड़ी हो गई है अभी डार्क एडिशन एकदम तैयार और ग्लास पहले से ज्यादा बढ़ गया, आपका फीडबैक बताइए आपको आपकी गाड़ी अब कैसी लग रही कंपेयर टू शोरूम वाली? ये मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी ही गाड़ी है क्योंकि नंबर भी नहीं है। शोरूम से मैंने देखा था तो वो एक कलर का जो लेयर है वो अलग टाइप में दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी इतना चमक रही है गाड़ी, बहुत ग्लोज आ गया है, बहुत अलग ही दिख रही है गाड़ी। तो मैं काफी सेटिस्फाइड हो गया हूँ। और फिनिश कैसी रही? अच्छा हुआ है उससे मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ कि गाड़ी थोड़ा अलग लेवल पे लग रही है, एक प्रीमियम हाई प्रीमियम गाड़ी लग रही है। और फिनिश कैसी लग रही है अक्षय भाई की आपको? जबरदस्त, कोई भी किधर भी बबल नहीं दिखाई दे रहा है, स्क्रैच नहीं दिखाई दे रहा है और एक टॉप क्वालिटी में काम हो गया है। पीपीएफ नजर नहीं आ रहा है बहुत जगह पे, मैंने नोटिस किया, हमें डोर्स ओपन करके चेक करना पड़ा, जस्ट एक लग रहा है कि चमक आ गई गाड़ी को बस, बाकी कुछ किया है ऐसा। और हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ फीडबैक आपका? जरूर आप इनसे ही सब करके लीजिए, ये लोग काफी क्वालिटी में काम करते हैं। थैंक यू सो मच नितिन जी एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर योर ब्रांड न्यू हेरिटेज आर्क एडिशन। थैंक यू।